अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू सोनी की दुनिया। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी बर्थडे, यानी आज का व्लॉग है मेरी बर्थडे पे। 23 दिसंबर को आती है मेरी बर्थडे, तो सॉरी व्लॉग अपलोड करने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। मैंने एडिट करके रखा हुआ था, बस मुझे टाइम ही नहीं मिला इतनी ज़्यादा। आजकल जो है ना मसरूफियात चल रही हैं, तो ये छोटा सा प्यारा सा ज़बरदस्त सा केक जो है मेरी दोनों कज़न्स की तरफ से, मतलब सब फैमिली की तरफ से, और स्पेशली नाजी शंटूपा की तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर दिस सरप्राइज़। तो ये ऐसा सरप्राइज़ था जो मुझे पहले से ही पता लग गया था। मैं वैसे ही नीचे गई तो वो लोग केक मंगाने की जो है तैयारी शहरी में लगे हुए थे, तो मुझे पहले से ही पता लग गया जी ये लोग मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं, मेरे लिए केक आ रहा है। तो इसके बाद मुझे ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ गिफ्ट मिला अपने हस्बैंड से, ज़बरदस्त सी रिंग जो इनको पहनानी भी नहीं आ रही थी। 3-4 बार की प्रैक्टिस रिहर्सल के बाद जो है उन्होंने मुझे यहाँ पे खुद पहन ली, और फाइनली ये लास्ट जो है उन्होंने फिर मुझे पहनाई। ऐसे हाथ पकड़ के बंदा तरीके से रिंग पहनाते हैं। तो जी नेक्स्ट डे 23 का जो नेक्स्ट डे था, क्योंकि केक हमने रात को 12 बजे कट कर लिया था, तो नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे रात को डिनर पे। और ये डिनर था हमारे लिए अदनान की तरफ से, ठीक है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे कज़न भी हैं, तो उनकी तरफ से था ये डिनर। काफ़ी जगह डिसाइड करने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, तो हम लोग गए पी फूड स्ट्रीट स्टेडियम रोड पे जो है, और वहाँ जी काफ़ी सारे मतलब रेस्टोरेंट है बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन सेंट शातिक का हाउस बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ अक्सर हम जाते रहते हैं, उनका खाना भी बहुत ज़बरदस्त है। अपनी टकली दिखाओ, इधर हो जाओ ना मम्मा को बैठने दो ना। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है ऑर्डर, ये अदनान है और ये हमें जो है आज का डिनर करवा रहे हैं, तो भी खुद ही ऑर्डर भी दे रहे हैं कि क्या खाना है सबके, मतलब क्या कहते हैं उसके बामी रजामंदी से भाई क्या मंगाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो ऑर्डर देने के बाद मैं वैसे इनकी मेन्यू बुक जो है देख रही थी कि इनके मेन्यू में क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चल रहे थे सबके फ़ोटो वगैरह सेल्फियाँ, तो फ़ोटो इसके बाद जी रहते आगे, और रहते सलाद आ जाए तो आपसे सब्र नहीं होता, आप उनको टेस्ट करते हो, क्योंकि जब तक खाना नहीं आता तो वो इतना वेटिंग वाला जो मरहले होते हैं ना बड़े मुश्किल होते हैं, भूख भी लगी हुई और आपका खाना ना आ रहा हो और आप वेट कर रहे हो, माई गॉड पर टाइम गुजरता ही नहीं है। तो इसके बाद जी ये हम गए उनके किचन में, यहाँ से एक छोटा सा शॉट लिया हमने, यहाँ पर देखे खाना बन रहा था, हमारा ऑर्डर भी तैयार हो रहा था, और फाइनली हमारा खाना आ चुका है। यहाँ आप करेंगे दो दो हाथ खाने से, खाना नोश फरमाएंगे। और हमने ऑर्डर किया था चिकन कढ़ाई एंड बीफ सीख कबाब कढ़ाई जो होती है वो, और दोनों बहुत ज़बरदस्त थे, हमसे ये दोनों भी पूरे ख़त्म नहीं हो पाए थे। ऐसे कभी कभी फैमिली में जो है ना बाहर जाना चाहिए, आपने आउटिंग करनी चाहिए, लेकिन पहले हमारा प्लान था कि हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, लेकिन फिर फास्ट फूड का किसी का दिल नहीं कर रहा था, तो फिर हमने कहा हम देसी खाते हैं, और देसी सर्दी में ये कढ़ाई नान वगैरह ये ज़्यादा मज़े का लगता है, आपको ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। पिज़्ज़ा वगैरह तो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होते, वो तो यह कि कभी महीने में एक हद बार कभी कभार खाना चाहिए, ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। और आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, और कमेंट करके सजेशन भी दिया करें, कमेंट भी किया करें। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, आप बोर नहीं होते होंगे। तो न्यू व्लॉग में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।